और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में प्रदर्शनकारी किसानों का बवाल देखने को मिला है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच यहां पर झड़प हुई है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दी और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर उपद्रव कर रहे थे। यही वो तस्वीरें हैं जहां पर पहले तो पुलिस इस पूरी भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ सब कुछ तोड़कर आगे निकल जाती है। बैरिकेडिंग की गई रहती है, उस पर चढ़ते हुए लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं आप इन तस्वीरों में देखिए। हालांकि सुबह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन जरूर था, लेकिन जगह जगह जाम से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी और यहां पर नोएडा से ये तस्वीरें सामने आई। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोएडा से तस्वीर सामने आई है क्योंकि लगातार किसान जो हैं वो कृषि कानून रद्द करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को देखते हुए नोएडा से तस्वीरें सामने आई जब प्रदर्शनकारी किसानों ने बवाल यहां पर किया, बैरिकेडिंग यहां पर तोड़ी। गौतम बुद्ध नगर प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का हल्ला हुआ। कई बैरिकेडिंग तोड़कर नोएडा सेक्टर 6 के प्राधिकरण कार्यालय हजारों किसान पहुंच गए। पुलिस ने करीब 3 जगह बैरिकेडिंग की थी और सभी बैरिकेडिंग को ध्वस्त करते हुए नोएडा के सेक्टर 6 किसान पहुंचे। नोएडा के प्राधिकरण कार्यालय पर ताला जड़ने के लिए किसान पहुंचे हुए थे। उस वक्त पुलिस ने इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की तो स्थिति किस तरह की बन गई, तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए बहुत ज्यादा गुस्साए हुए किसान नजर आए और तस्वीरों में आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको नजर आ जाएंगे कि कैसे किसान यहां पर पहुंचते हैं। और एक और बड़ी खबर, अलीगढ़ में किसानों का धरना प्रदर्शन, अलीगढ़ से भी ऐसी तस्वीर। भारत बंद को लेकर किसानों ने यहां पर रोड जाम कर दिया। अलीगढ़ में भारत बंद के आह्वान पर किसानों का ये प्रदर्शन सामने आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। खासतौर पर हाईवे की बात की जाए तो वहां पर भी लंबी कतारें हैं गाड़ियों की। नोएडा की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी और अब अलीगढ़ की एक और तस्वीर जहां पर भारत बंद के चलते किस तरीके से प्रदर्शन किया गया आप इन तस्वीरों पर देख पा रहे हैं। और सीधा रुख करते हैं, रजनीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, तस्वीर हम देख रहे हैं, नोएडा में प्रदर्शन किया गया, बैरिकेडिंग यहां पर तोड़ी गई, अलीगढ़ से भी ऐसी तस्वीर, आप जहां पर मौजूद है वहां पर कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए अगर मैं इस समय दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे इस समय मौजूद हूँ, यहाँ की अगर तस्वीरों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो पूरा रोड है वो बिल्कुल खाली है। पहले सुबह करीब 1.5 से 2 घंटे के लिए यहाँ पे जाम की स्थिति बनी थी, लेकिन अब जो है ट्रैफिक पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया है। मेरे पीछे ये जो सामने आप फ्लाईओवर देख रहे हैं वहीं पे जो है वो किसान बैठे हुए हैं, लेकिन जिस रोड पे किसान बैठे हैं उस रोड को तो पुलिस ने बैरिकेड करके बंद कर दिया। यही कारण था कि सुबह उस रोड का ट्रैफिक सिर्फ एक रोड पे आ गया जिसके चलते 2 से 3 घंटे तक कुछ देर के लिए जाम की स्थिति पैदा हुई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और ऑफिस का टाइम बीता, क्योंकि 9 से 11 के बीच ऑफिस का वक्त होता है, जैसे ही ऑफिस का टाइम खत्म हुआ तभी पूरी तरीके से जो ट्रैफिक नॉर्मल हो गया और अब करीब 1 घंटे का वक्त रह गया है इस जो भारत बंद के आह्वान को खत्म होने में। अगर पूरा लब्बो लुबाब की अगर बात की जाए, खासकर दिल्ली की अगर बात की जाए, तो कुछ एक जगह को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत बंद का जो आह्वान था वो कहीं ना कहीं फेल साबित होता दिख रहा है। लेकिन रजनीश, तस्वीरें तो वो नोएडा वाली भी जहन में है जब प्राधिकरण पहुंच गए कुछ लोग और वहां पर कोशिश करने लगे कि वो ताला ही जड़ दे प्राधिकरण पर। सवाल ये है रजनीश कि जब राकेश टिकैत कह रहे थे कि आप लंच के बाद बाहर निकलिए, तो वो लंच का वक्त क्या तय किया था उन्होंने? शाम को 4 बजे 12 बजे 2 बजे 2.5 बजे कब लोग बाहर निकल सकते हैं? देखिए अनुराग, राकेश टिकैत की अगर बात की जाए तो उनकी बातों को समझना बहुत मुश्किल है। ना मैं समझ सकता हूँ, ना आप समझ सकते हैं, ना ही सरकार समझ सकती है, क्योंकि शुरुआत में वो पहले तीन कानूनों के विरोध में गए, उसके बाद हर बार नए जो है नई मांगे उनकी सामने आती रही, तो सरकार भी पशुपेश में पड़ गई। आखिर राकेश टिकैत चाहते क्या है? और आज जिस तरीके से लंच का जो टाइम बताया गया था वो टाइम आखिर होता क्या है? क्या 1 बजे का होता है, 2 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का या 12 बजे का? अगर लंच टाइम का बात थी तो आपने सुबह से ही बंद क्यों कर रखा? रजनीश, ये सवाल दरअसल इसीलिए पूछा गया ना, अगर लंच का टाइम आपने तय किया था 12 बजे या 1-2 बजे जो अमूमन वक्त होता है लोगों का, तो फिर वो नोएडा प्राधिकरण वाली तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं?